नमस्कार, जीएसटी की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो गुड और सिंपल टैक्स। वित्त मंत्रालय ने देश भर से तमाम सवालों के आने के बाद ये फैसला लिया कि जीएसटी की मास्टर क्लास 6 दिनों के लिए शुरू की जाएगी, और ख़ास तौर पर वित्त मंत्रालय के अधिकारी इस वक्त राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में आ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूँ श्री हसमुख अधिया जी का, जो कि राजस्व सचिव हैं भारत सरकार के। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। वनजा एस सरना मैम, जो कि चेयरपर्सन है सीबीसी की, वो भी इस वक्त डायस पर मौजूद हैं। श्री महेंद्र सिंह, जो कि सदस्य हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स में, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री प्रकाश कुमार, जो कि सीईओ जीएसटी नेटवर्क के, बहुत बहुत स्वागत सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। श्री पी के जैन, जो कि चीफ कमिश्नर है सीबीसी में, आपका भी स्वागत। और श्री जी डी लोहानी, जो कि कमिश्नर हैं सीबीईसी में, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। ये जो पूरा प्रोग्राम है वो दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर इस वक्त बिल्कुल लाइव आप देख रहे हैं। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, पीआईबी इंडिया, पीआईबी अंडरस्कोर इंडिया ट्विटर पे इस वक्त लाइव चल रहा है। लाइव वेबकास्ट आप देख सकते हैं pib.nic.in पर, और #askgst_gov पर जो भी सवाल हमारे पास आए हैं, उन सवालों में से हमने जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं उनको चुना है। और मुझे उम्मीद है कि इस पहली क्लास के बाद रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन के संबंधित जो भी आपकी समस्याएं या फिर सवाल आपकी दिमाग में हैं, उनका समाधान अगले 1 घंटे के दौरान मिलेगा। मैं सबसे पहले श्री हसमुख अढ़िया जी, जो कि राजस्व सचिव हैं भारत सरकार, उनका निवेदन करता हूँ कि वो इस वक्त पंजीकरण और पर अपना प्रेजेंटेशन दें, और उसके बाद फिर जो दूसरा प्रेजेंटेशन और जो सवाल और जवाब का सिलसिला है उसकी शुरुआत करेंगे। श्री अढ़िया जी, धन्यवाद। आप सबका इस जीएसटी के क्लास में स्वागत है। जीएसटी की बात करें तो एक स्पष्टता में कंज्यूमर्स के लिए, देश के आम लोगों के लिए देना चाहूँगा। कुछ कुछ ऐसे सवाल हमारे पास आए हैं कि भाई मैं कुछ खरीदने गया, मुझे बिल में CGST और SGST दोनों 99% लगाया है, तो क्या ये डुप्लीकेशन है, मुझे दोबारा दो बार टैक्स लगाया गया है? इस तरह के सवाल कंज्यूमर के मन में होते हैं। तो मैं उनको समझा दूं कि GST का जो भी रेट होता है, जो डिसाइड किया है, मान लो किसी आइटम के ऊपर 12% है या 18% है या 5% है, तो उसको एग्जैक्टली दो भाग में अलग किया जाता है। एक पोर्शन जो SGST स्टेट GST कहलाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट जाएगा, इसलिए उसका नाम अलग है, और एक CGST जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। बिकॉज स्टेट और सेंटर ने मिलकर ये टैक्स बनाया है, इसलिए वहीं एक टैक्स का इक्वल बंटवारा हो रहा है। इसलिए नाम के वास्ते आपको दो टैक्स दिख रहे हैं, SGST CGST, बट दोनों का जो टोटल है वो फाइनल GST का रेट है, जो कि उस आइटम के ऊपर एप्लीकेबल है। तो लोग इसके बारे में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ। GST की जब शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहला मसला आता है लोगों के पास कि रजिस्ट्रेशन कब करना है, किसको करना है, कैसे करना है। ये सब विषय हर आदमी को फेस करता है, ट्रेडर को, नए ट्रेडर को। तो उसके लिए आज का ये क्लास है। मैं सबसे पहले आपको हमारी जो पहली स्लाइड है उसे समझाना चाहूँगा कि जिनका भी टर्नओवर 10, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, 11 ऐसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्ट के सब स्टेट है, और जो हिमाचल, उत्तरांचल, ये जो स्टेट है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, 11 स्टेट ऐसे है जिनको 10 लाख की लिमिट लागू होती है, और बाकी पूरे इंडिया को 20 लाख की लिमिट लागू होती है। तो अगर किसी ट्रेडर का या मैन्युफैक्चरर का पिछले साल का टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख से ऊपर है तो उसको जरूर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब ये जो हम टर्नओवर की बात करें उसमें क्या क्या चीज गिनी जाएगी, इफ यू कैन गो टू स्लाइड नंबर 2, इसमें आएगा कि आपका खुद का टैक्सेबल सप्लाई हो या एग्जम सप्लाई भी आ जाएगा। मान लो मैं एक उदाहरण के रूप पे कि जो पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप से टैक्सेबल सप्लाई होता है वो क्या होता है, जो ऑयल, मशीन ऑयल बेचते हैं वो GST में है, लेकिन पेट्रोल और डीजल GST में नहीं है। पेट्रोल और डीजल जो है वो अलग टैक्स है उसके ऊपर, तो वो GST का टैक्सेबल नहीं है, बट फिर भी पेट्रोल पंप का टर्नओवर जो है वो पूरा माना जाएगा, उसका जो एग्जम्प्ट
एग्जेम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई, तो टर्नओवर में दोनों गिना जाएगा 20 लाख की लिमिट डिसाइड करने के लिए। एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसका टर्नओवर भी माना जाएगा पिछले साल अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो, और इंटर स्टेट सप्लाई भी पिछले साल किया है तो वो टर्नओवर भी माना जाएगा। लेकिन इस साल में अगर आपको इंटर स्टेट सप्लाई करना है तो फिर 20 लाख की लिमिट नहीं लगने वाली है, 20 लाख की लिमिट आपके लिए नहीं है। तो मैं फिर से पॉइंट स्लाइड नंबर 1 पे आऊँगा कि इंटर स्टेट सप्लाई जिसको भी करना है चाहे उसका टर्नओवर 20 लाख से अधिक हो या 20 लाख से नीचे हो, लेकिन दूसरे स्टेट में अगर माल बेचना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति तो उनको ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो 20 लाख की लिमिट है एग्जेम्पशन की और इवन 75 लाख की जो लिमिट है, जो कंपोजिशन लिमिट है, वो दोनों उसी स्टेट में जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना खुदरा कारोबार करना चाहते हैं, जो छोटा कारोबार है उनके लिए है। जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर माल बेचना चाहते हैं उनके लिए ये लिमिट नहीं है, वो उसी स्टेट के लिए है। एग्जेम्पशन लिमिट एज वेल एज कंपोजिशन लिमिट दोनों उसी स्टेट के लिए है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप दूसरे स्टेट में अगर आप एग्जेम्पशन में है 20 लाख से नीचे या आप 75 लाख से नीचे कंपोजिशन में है तो आप दूसरे स्टेट में माल नहीं बेच सकते, लेकिन दूसरे स्टेट से माल मंगा सकते हैं, परचेस कर सकते हैं आप, लेकिन आप दूसरे स्टेट में माल नहीं बेच सकते अगर आप कंपोजिशन में है या अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में 20 लाख से नीचे में है तो। तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोग ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते कि आपको किस किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं तो जिस स्टेट से आप माल बेच रहे हैं उसी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिस स्टेट में आप माल बेच रहे किसी और पार्टी को उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। सो जहां से आपका सेल का कारोबार, जहां से बिक्री होती है आपकी और जहां से आप माल बेच रहे हो दूसरे स्टेट में, उस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नाउ माल का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है। जैसे एक आदमी किसी एक स्टेट में अगर सर्विस दे रहे हैं और वो सर्विस दूसरे स्टेट के लाभार्थी को दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बिलिंग वहां से नहीं कर रहे दूसरे स्टेट से, वो तो एक ही स्टेट से सर्विस दे रहे हैं। एक स्टेट में बैठ के आप पूरे इंडिया को सर्विस दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक ही स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन अगर आपकी एक ब्रांच दूसरे स्टेट में भी है, आपको वहां भी सर्विसेज का बिजनेस मिल रहा है, उसका बिलिंग आप उस स्टेट में से भी कर रहे हैं, तो फिर आपको उस स्टेट में भी कराना पड़ेगा, वरना नहीं कराना होगा। एक है कि अगर आपको कभी कैजुअल रजिस्ट्रेशन लेना है, कोई एक इंसिडेंस के लिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, जीएसटी में आप रजिस्टर्ड नहीं है, किसी एक काम को मिला है, उस काम के लिए आपको एक मान लो कैजुअल रजिस्ट्रेशन लेना है, तो कैजुअल रजिस्ट्रेशन वाले को भी कंपलसरी लेना होगा। एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन आप है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, उनको 20 लाख का लिमिट वगैरह अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर जो है आपको रिवर्स चार्ज में देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रिवर्स चार्ज में देने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो भी उनको भी कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड वाले हैं, ऑल द कंपनीज विच आर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उनको सबको रजिस्टर कराना है। एंड अगर आपने कोई एजेंट अपॉइंट किया है तो भी एजेंट को भी वो करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है। वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेन वू डू नॉट हैव टू रजिस्टर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि जो मैंने बताया कि कंपल्सरी किसको करना ही करना है, अगर 20 लाख से ऊपर है इंटर स्टेट सप्लाई दे रहे तो वो सबको कराना ही कराना है, लेकिन किसको नहीं कराना है। अगर आप ऐसी कॉमोडिटी का व्यापार कर रहे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट कैटेगरी में, फॉर एग्जाम्पल अनाज गेहूँ, मतलब जो धान्य का आप व्यापार करें जो कि पूरा, या आपका मिल्क का व्यापार है तो मिल्क भी पूरा एग्जेम्प्ट है, मान लो मिल्क और ऐसी कॉमोडिटी, और ऐसे अगर पूरी एग्जेम्प्ट कॉमोडिटी का पूरा व्यापार कर रहे हैं तो फिर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट है, जिसकी डेफिनेशन उसमें दी हुई है कि जिसमें जमीन में से कुछ उगा रहे हैं आप, वैसे एग्रीकल्चरिस्ट है, तो भी आपको इवन इफ आपका प्रोडक्शन 1 करोड़ का भी क्यों ना हो, मान लो जो कृषिकार है उसका उत्पादन 1 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है साल में, 1 करोड़ का टर्नओवर है उसका, लेकिन वो कृषिकार है इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। और जो जो लोग कुछ ऐसी सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट जो कि रिवर्स चार्ज में है, तो फिर उसको ट्रांसपोर्टर खुद को, जैसे फॉर एग्जांपल ओला और उबेर, वो भी कंपलसरीली रिवर्स चार्ज में है, तो टैक्सी ड्राइवर को वो रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो एग्रीगेटर है ओला उबेर वो रिवर्स चार्ज में पे कर रहा है टैक्स, इसलिए उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन जो है हमेशा पान नंबर के आधार पर ही होगा, तो अगर आप अपना पान नंबर बदलना चाहते हैं तो फिर तो आपको नया रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा, पान नंबर के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन मिलता है। सो अगर कोई आदमी बोलता है कि भाई मैं पान नंबर बदलना चाहता हूँ, तो पूरा रजिस्ट्रेशन ही बदलना पड़ेगा, तो ये हमको याद रखना है। दूसरा कि जो स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर आपका कारोबार एक से ज़्यादा स्टेट में है, पहले भी ये था कि भाई पहले आपका 5 जगह से कारोबार चल रहा, तो 5 जगह वेट का लेना पड़ता था आपको, अब GST का लेना पड़ेगा, ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, लेकिन हर स्टेट में लेना पड़ेगा। आप यहीं बैठ के 5 स्टेट का फॉर्म भर के GSTN वेबसाइट से ले सकते हो, लेकिन 5 स्टेट का अलग लेना पड़ेगा अगर आपका कारोबार है तो। सर्विसेज में भी 5 स्टेट में अगर आप सर्विस दे रहे हैं, वहाँ से वहाँ की आपकी ऑफिस सर्विस दे रही है, तो फिर आपको 5 स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक स्टेट में एक पान के ऊपर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सकता है, जिसमें 2 एक्सेप्शन है। नॉर्मली एक पान नंबर के ऊपर एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, उसमें 2 एक्सेप्शन है। एक तो कि अगर आपका बिजनेस इतना बड़ा है कि आपके अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स है, अलग अलग डिवीज़न है, कि एग्रो इंडस्ट्री का एक डिवीज़न है, सीजनल आइटम्स का एक है, तो इस तरह का अलग 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 अगर आपका डिवीज़न है, वर्टिकल्स है, तो उसके लिए आप अलग डिमांड कर सकते हो, अलग रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको मिल सकता है। लेकिन उसके सब के एक एक डिवीज़न के आपको अलग अलग हिसाब रखने पड़ेंगे, प्लस जब एक डिवीज़न आपका दूसरी डिवीज़न के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे, तब उसके ऊपर भी पूरा एज इफ इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, आपको पूरा टैक्स का हिसाब किताब रखना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज देट विल बी कंसिडर्ड एज कम्प्लीटली ए डिफरेंट एंटिटी। सेम पान नंबर, ओनर इज द सेम, 2 बिजनेस वर्टिकल, लेकिन एक दूसरे के साथ उनको अपना वो करना है, वो इंडिपेंडेंस रखना है, और उनको टैक्स का व्यवहार होगा। और दूसरा जो एक्सेप्शन है वो कि अगर आपका एक यूनिट डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में है, एक SEZ में है, तो भी आपको अलग अलग नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि SEZ में जब सामान बेचते हैं आप, तो वो इट इज़ कंसिडर्ड एज गुड एज एक्सपोर्ट, इसीलिए आपको IGST वगैरह का व्यवहार आएगा उसमें। इसीलिए SEZ में अगर आप माल भेज रहे हैं, अगर SEZ में आपका एक यूनिट है और एक दूसरे में है उसी स्टेट में, तो एक ही स्टेट के अंदर 2 नंबर आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके एक ही SEZ में 2 यूनिट है, तो फिर एक ही यूनिट एक नंबर से काम चल सकता है। लेकिन अगर मान लो मतलब कि किसी का भी एक डोमेस्टिक एरिया में है और एक से ज़्यादा SEZ में यूनिट है, तो 2 नंबर मिल सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। कब कराना है रजिस्ट्रेशन? जिन लोगों ने माइग्रेट किया है अभी तक, जो अपने पान नंबर और वेट नंबर से, उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो मिल गया है, उनको 3 महीने का टाइम मिलता है 1 जुलाई से। लेकिन हमारी उनको एडवाइस होगी कि जितना जल्दी हो सके आप वो फॉर्म नंबर B भर दो। उनमें से 80 लाख लोग थे, उसमें से 67 लोगों ने अपना नंबर को एक्टिवेट कर दिया है लॉगिन करने से, और वो 67 लोगों को हमने प्रोविजनल सर्टिफिकेट पहुंचा दिया है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको मिल गए हैं। तो वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पर 3 महीने तक अपना बिजनेस चालू रख सकते हैं, लेकिन उनको Part B कंप्लीट करके फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है 90 डेज के अंदर। तो हमारी तो ये एडवाइस होगी कि भाई जितने भी लोग हैं उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया, इसलिए उससे आप संतृप्त मत होइए, आपको जो Part B भरना है वो भर के
आप फाइनल सर्टिफिकेट के लिए अभी से एप्लीकेशन कर दीजिए, फिर तकलीफ होगी 90 डेज खत्म होते ही, फिर आपको दौड़ा दौड़ी करनी पड़ेगी, फिर लास्ट मिनट में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमारी पूरी एडवाइस है कि वो तुरंत उसको भी खत्म करें काम। और अगर ऐसा कोई आपका यूनिट था जिसमें आपके पास ना वेट नंबर था ना एक्साइज नंबर था, वो इसलिए कि भाई आपका जो कमोडिटी है वो टैक्स में था ही नहीं, जैसे कपड़े वाले हैं टेक्सटाइल में, फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स और फैब्रिक के ट्रेडर्स है, उनका वेट में भी नहीं था, एक्साइज में भी नहीं था, अब 5% टैक्स लगा है, तो उनको सबको तुरंत रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करनी है। मैक्सिमम दे कैन कंटिन्यू देयर बिजनेस अप टू 30 डेज विदाउट रजिस्ट्रेशन, बट अगर 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो फिर दे विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू देयर बिजनेस। सो दे मस्ट बी केयरफुल, उनको अभी से अपना न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दे देना चाहिए और वो उसका रिपोर्ट मतलब उनको नंबर ले लेना चाहिए 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट, कौन कौन से फील्ड है जो रजिस्ट्रेशन में, ये एक्चुअली GSTN का विषय है बट मैं अपने में कवर कर रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चन आए इसके ऊपर कि कौन कौन से ऐसे विषय है जो कि आप खुद चेंज कर सकते हो ऑनलाइन। आपने एक रजिस्ट्रेशन ले लिया और आपको पूरी डिटेल उसने डाल दी, अब उसमें से कुछ फील्ड आप चेंज करना चाहते हो, तो उसमें कुछ फील्ड ऐसे है जो कि आपको चेंज करने के लिए ऑथोरिटी की परमिशन चाहिए, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा वो चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल बिजनेस का नाम बदलना है तो दैट इज़ वन। सेकंड कि आपको अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपने उसमें एड्रेस डाला है वो एड्रेस में चेंज करना है तो फिर आपको अथॉरिटी को एप्लीकेशन देना है। मेन पार्टनर या डायरेक्टर का जो नाम है उसमें कोई अगर चेंज करना है, किसी कंपनी में मान लो एक डायरेक्टर का भी चेंज होता है तो भी आपको उसके लिए अथॉरिटी को ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, मैनुअल नहीं देनी है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन की फैसिलिटी है। और ये फील्ड के अलावा बाकी कोई भी फील्ड है वो सब आप अपने आप लॉगिन करके बदल सकते हो, आपको अथॉरिटी की वेट करने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या डिटेल आप डालते हैं, आप डालते हैं कि बैंक अकाउंट की डिटेल डालते हैं कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, अगर बैंक अकाउंट बदल गया तो आप अपने आप बदल सकते हैं उसको ऑनलाइन जाके, उसके लिए आपको किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उसमें ये भी डाल रहे हैं, आपको हम पूछ रहे हैं कि भाई 5 मेन आइटम ऑफ बिजनेस कौन सी है, उसका HSN कोड दीजिए। अब आपके पास तो 20 25 30 आइटम भी हो सकती है, हम नहीं चाहते कि हम सब आइटम का लिस्ट ले आपसे, 5 आइटम की जगह है उसमें GSTN के वेबसाइट में, वो 5 आइटम का आप HSN कोड दे दीजिए जो मेन आइटम है उसका, बाकी सब आइटम आप अपने पास रखिए, हमें ज़रूरत नहीं है। बट उसमें भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने मेन आइटम ऑफ बिजनेस तो वो सब भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं, और अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वो भी आप बाद में चेंज कर सकते हैं अपने आप, जिसमें आपको अथॉरिटी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बेसिक चेंज है जो आपकी PD है, जो आपकी फॉर्म है, उसके नाम में डिफरेंस है, ओनरशिप में डिफरेंस है, या प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर डिफरेंस है, अगर उसमें कोई चेंज है तो वो आपको करना है। नेक्स्ट, माई लास्ट स्लाइड टुडे इज़ अबाउट कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन ले या ना ले। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन संभव है, अगर 20 लाख से भी नीचे का आपका टर्नओवर है तो भी आप वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। उसके फ़ायदे क्या होगा और उसका नुकसान क्या है, मैं दोनों बता दूँ। अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आप B2B ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, पर्टिकुलरली कुछ ऐसे लोग जो है जो कि बड़ी फॉर्म को सप्लाई कर रहे हैं माल, तो बड़ी फॉर्म नहीं चाहेगी कि हम अनरजिस्टर्ड डीलर से ले, इसलिए आप खुद रजिस्टर करवा लेंगे तो आप उनको भी सप्लाई कर सकते हैं, B2B को सप्लाई कर सकते हैं, वो एक फ़ायदा है। और दूसरा कि वरना क्या होगा कि आप जिस रजिस्टर्ड डीलर को दे रहे हैं, मान लो आप अगर कंज्यूमर को बेच रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, बट अगर आपका नाता रिश्ता किसी बिजनेस वाले से उनको आप सप्लाई कर रहे हैं तो उनको रिवर्स चार्ज में पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपने तो टैक्स नहीं पे किया बिकॉज यू आर अनरजिस्टर्ड, लेकिन आप अनरजिस्टर्ड है लेकिन हमारा जो सेक्शन 9(4) है वो 9(4) के तहत वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी रजिस्टर्ड डीलर को। अगर आप खुद रजिस्टर्ड है तो वो चिंता नहीं है, तो आपसे सब लोग माल खरीदेंगे, अगर B2B वाले भी आपसे माल खरीद सकते हैं। इसका नुकसान क्या है कि अगर आप एक बार रजिस्टर करा लेंगे तो आपको पूरे के पूरे सप्लाई के ऊपर टैक्स तो देना ही है, फिर आपको एग्जम्पशन की लिमिट नहीं मिलती। आप ये नहीं कह सकते कि 20 लाख तक मैं हूँ इसलिए मुझे टैक्स नहीं भरना है,
एक बार रजिस्टर करा लिया उसके बाद 5 लाख का भी टर्नओवर है तो भी आपको 5 लाख के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप लिमिट के पहले हैं तो यू कैन अवॉइड टू रजिस्टर, अगर आप नहीं चाहते हैं तो। और दूसरा कि एक बार रजिस्टर करा लिया जिसने भी, उनको अपना ट्रांजेक्शन चाहे जीरो भी हो एक महीने के अंदर, देर आर नो ट्रांजेक्शन ऑल्सो इन एनी मंथ, देन ऑल्सो महीने में एक बार तो उसको रिटर्न फाइल करना होगा जो रजिस्टर्ड डीलर है उनको, अनलेस ही इज ए कंपोजिशन डीलर। अगर कंपोजिशन डीलर है तो फिर आपको 75 लाख तक का अगर आपका टर्नओवर है तो 3 महीने में एक बार ही रिटर्न भरना है आपको, लेकिन अगर आप रेगुलर रजिस्टर्ड है तो आपको हर महीने करना होगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मिस्टर प्रकाश को कि जो GSTN की तरफ से जो प्रोसीजर है रजिस्टर कराने की, माइग्रेट कराने की, उसके बारे में थोड़ी बात करें। धन्यवाद सर। अभी तक आपको राजस्व सचिव साहब ने बताया कि कैसे रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है और एनरोलमेंट की क्या प्रक्रिया है। पहला सवाल उठता है कहाँ करेंगे, ये करेंगे आप GST पोर्टल पे, यानी कर रहे हैं GST.gov.in, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न फाइलिंग, इस तरह की चीज़ें जो टैक्स पेयर को फेसिंग है वो सारी की सारी वहाँ पे की जाती हैं। एनरोलमेंट के लिए जो टैक्स पेयर VAT सर्विस टैक्स सेंट्रल एक्साइज में पहले से ही रजिस्टर्ड थे, उनके लिए प्रक्रिया 8 नवंबर 2016 को शुरू कर दी गई, जिससे उनको हम GST रिजीम में ले आ सके। और इसके लिए टैक्स डिपार्टमेंट ने टिन और पैन भेजा GST सिस्टम्स को, जिस पे उनको एक प्रोविजनल ID जनरेट की गई, उसके साथ एक पासवर्ड दिया गया। और टैक्स पेयर को सिर्फ इतना ही करना था कि वो पोर्टल पे जाकर उस प्रोविजनल ID को और उस पासवर्ड को डाल के उसके बाद अपनी मोबाइल, अपनी ईमेल एड्रेस डालें, और इतने के बाद आपकी एनरोलमेंट होती कि आप आ गए इसके अंदर, जो पार्ट ए कहलाता है। उसके बाद उसकी पार्ट बी है जो रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट दोनों में बिल्कुल एक तरह की, और जिसका पूरा उदाहरण सचिव महोदय ने अभी दिया कि अलग अलग हिस्से हैं जिसमें कि बिजनेस डिटेल्स है, प्रमोटर्स की डिटेल्स है, उसमें आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ऑथराइज सिग्नेटरी है, बैंक है, गुड्स एंड सर्विसेज जो डील करते हैं, ये सब आप भरते हैं। और उसको भरने के बाद आपका वो पार्ट जो होता है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने पार्ट बी भी कर लिया तो आपकी, आप कहलाते हैं कि आप माइग्रेट हो गए। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपने सिर्फ अपनी एक्टिवेट किया यूज़र ID पासवर्ड को और आपने ईमेल और मोबाइल डाला तो आप एनरोल हो गए, और जब अगर आपने उसमें पार्ट बी भी भर दिया तो आप उसके बाद आप इसमें माइग्रेट हो जाते हैं। अभी तक जैसा कि सचिव साहब ने बताया 67 लाख 11 हज़ार टैक्स पेयर्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, और उसमें से 30 लाख लोगों ने अपना पार्ट बी भर के और उनको उसकी भी एक्नॉलेजमेंट दी जा चुकी है। तो पहला सवाल, जैसे उन्होंने बताया कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जितने लोगों को प्रोविजनल ID मिला और जिन्होंने एक्टिवेट कर दिया उन सभी को 67.11 लाख लोगों को उनकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ईमेल से भेज दी गई। साथ ही साथ ये उनके डैशबोर्ड पर भी अवेलेबल है, जब भी वो लॉग इन करें वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि पार्ट बी भरने के बाद, जैसा कि 30 लाख लोगों ने कर दिया है, उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी हो जाती है परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। इस बीच में ये जो फिल्ड अप डॉक्यूमेंट है ये जाएगा ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर के पास, जो उसे देखेंगे और देख करके अगर उस अप्रूव कर देते हैं तो आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है। अगर उनकी कोई क्वेरी होती है किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में, जैसे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट लगाया है, या कोई डॉक्यूमेंट है जो कि लीज डीड है एक्सपायर हो गई है, तो नई डॉक्यूमेंट मांगेंगे और उसको जमा करने के बाद होगा। तो रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट की जो पार्ट बी है बिल्कुल एक जैसी है, और इसको भरने के लिए हम जनरली, हमने वेबसाइट पे भी लगाया है कि इसको करने के पहले ऑनलाइन कुछ चीज़ें आप पहले से करके रख लें। वो क्या चीज़ें हैं, जैसे फोटोग्राफ्स हैं प्रोमोटर्स की, आपकी लीज डीड या इस तरह की जो प्रूफ ऑफ बिजनेस है प्रिंसिपल प्लेस की, वो आप तैयार करके रख लें। इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी का जो अपॉइंटमेंट है, जिसने भी उसको ऑथराइज किया है, उसकी भी स्कैन करके कॉपी रख लें। इतनी सब चीज़ें रख लें तो आपका 10 से 15 मिनट में ये पूरी एनरोलमेंट की जो प्रोसेस है, जो पार्ट बी भरने की प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाती है। और जैसा मैंने बताया कि 30 लाख लोगों ने इसको करके
उनको ARN भी दिया जा चुका है। बाकी जो 37 लाख लोग हैं जिन्होंने ये पार्ट बी कंप्लीट किया है या हाफ कंप्लीट है, उनसे हमारी गुजारिश है कि उसे जल्दी करें, जिससे कि आपका ये काम अब पहले हो जाए और आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाए। नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चूंकि ये अभी शुरू हुई है 25 जून से, मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसको बताऊंगा। इसके लिए आपको एक पैन जरूरी है बिजनेस एंटिटी का, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। आप gst.gov.in पे जाएंगे और वहाँ पे ये तीनों आइटम्स अपने स्टेट चूज़ करेंगे, अपना लीगल नाम लिखेंगे, पैन लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको OTP भेजी जाएगी इन दोनों पे, मोबाइल पे और ईमेल पे, दोनों OTP इसमें डालनी है। उसके बाद जब ये अगर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाती है CBDT से कि हाँ ये पैन एग्जिस्ट करता है और ये उसी एंटिटी के नाम से है जो लीगल आपने लीगल नेम दिया है, तो आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या जिसे हम इनफैक्ट उसको TRN कहते हैं, TRN आपको मिल जाता है। TRN डाल करके फिर आप उसके बाद उसकी पार्ट बी भरना शुरू करते हैं, जिसमें कि वही सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी बिजनेस डिटेल्स हैं, आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपके प्रमोटर्स हैं, आपके बैंक हैं, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज एट्सेट्रा, डेल्थ, ये सारी डालते हैं। अगर सारी डॉक्यूमेंट डाल दी और उसके बाद इसकी वैलिडेशन की जाती है, जो प्रमोटर्स की आपने पैन डाला है, ऑथराइज सिग्नेटरी की जो पैन डाली है, इसको भी वैलिडेट किया जाता है CBDT से। और कंपनीज के केस में DIN नंबर, जो डायरेक्टर का DIN नंबर है और कंपनी का जो SIN नंबर है, वो भी MCA के वेबसाइट से उसको वैलिडेट किया जाता है। अगर ये वैलिडेट हो जाती है तो आपको फुल ARN जाता है आपके पास, और उसके बाद ये पूरी फिल्डअप जो एप्लीकेशन है वो कंसर्न टैक्स ऑफिसर के पास चली जाती है, जिनके पास 3 वर्किंग डे हैं, सैटरडे संडे और छुट्टियों को हटाने के बाद 3 वर्किंग डे है जिसके तहत वो उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर टैक्स ऑफिसर ने उस पर कोई क्वेरी की, जैसा क्वेरी क्या हो सकती है कि मैं जैसे पहले बताया था कि लीज डीड पढ़ा नहीं जा रहा है या एक्सपायर किया हुआ है या कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट जो लगाया गया है जो कि ठीक नहीं दिख रहा है, तो उसकी कॉपी मांगेंगे, या कोई इन्फॉर्मेशन दी है जो जिस इन्फॉर्मेशन पे वो उनको और फर्दर डिटेल चाहिए। जितनी भी क्वेरी है ऑफिसर एक ही बार क्वेरी रेज कर सकता है और ये सारी की सारी क्वेरीज एप्लीकेंट के पास उनके पास जाती है। उनके पास फिर 7 वर्किंग डेज का समय है जिसके तहत वो उसकी पूरी जवाब दें, नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिसर के पास 7 वर्किंग डे है उसको प्रोसेस करने के लिए। अगर वो 7 में नहीं प्रोसेस करते हैं तो ये डीम्ड अप्रूवल में जाता है। उसी तरह से जब पहली बार उनके पास एप्लीकेशन जाती है तो 3 में अगर उसने ऑफिसर ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की तो डीम्ड अप्रूवल में जाएगा। हमारे पास सवाल आ रहे हैं काफ़ी सारे कि मुझे ARN मिल गया लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया। तो जैसा मैंने बताया कि ARN मिलने और सर्टिफिकेट मिलने के बीच में 3 वर्किंग डे हैं, पहला ये। दूसरा कहते हैं कि हमें समा करने के बाद ARN मिलने के बाद भी वैलिडेशन एरर आ जाता है, वो इसलिए होता है कि अगर कोई भी डिटेल जैसे किसी प्रमोटर का, डायरेक्टर का DIN हो, प्रमोटर का पैन हो, अगर वो फेल कर गया मैच करने में, तो फिर आपके पास एक ईमेल जाता है कि आपकी ये डेटा फेल कर गई, आप उसको जाकर के दोबारा उसको करेक्ट करिए। RC कहाँ मिलेगी? RC की इंटीमेशन जाती है ईमेल से, साथ ही साथ आपके टैक्स पेयर के डैशबोर्ड पे रखी होती है जहाँ पे से कोई भी टैक्स पेयर उसको जाकर डाउनलोड कर सकता है और उसको प्रिंट कर सकता है। तो इतनी जानकारी थी कि एनरोलमेंट की और जो रजिस्ट्रेशन की है वो कैसे की जाए और कैसे लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्री अडिया जी और प्रकाश कुमार जी आपका। और जो राज्य सरकारों में जो तमाम CBEC के अधिकारी हैं और जो ट्रेडर्स हैं और जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उनका भी फिर से स्वागत। सर, हमारे पास बहुत सारे सवाल जो हैं वो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, वो एक एक करके मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और आपसे गुजारिश है कि आप इन सवालों को एक तरह से जो उलझने हैं लोगों के दिमाग में उनको सुलझाने की ज़रूर कोशिश करें। पहला सवाल है कि मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूँ, मेरे बहुत सारे स्टेट्स में बिजनेस है, मेरा टर्नओवर लेकिन 20 लाख से कम है, मैं इंटर स्टेट सप्लाई एक राज्य से दूसरे राज्य में करता हूँ,
क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कराना होगा? देखिए, अभी राजेश सचिव ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको थ्रेशहोल्ड एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। अब इस केस में जो प्रश्न किया गया है, इनमें इनका विभिन्न राज्यों में रजिस्ट्रेशन टर्नओवर है और टर्नओवर 20 लाख से कम है, बट वो इंटरस्टेट सप्लाई करना चाहते हैं। अगर इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज जो लोग इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए थ्रेशहोल्ड एग्जेम्पशन नहीं है। थ्रेशहोल्ड एग्जेम्पशन उन लोगों के लिए है जो एक ही राज्य में रहकर और छोटे अपने करदाता हैं और या छोटे लोग हैं जो 20 लाख से नीचे का टर्नओवर कर रहे हैं विद इन द स्टेट, उनके लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट है। इस तरह के लोग जो इंटरस्टेट करेंगे उनके लिए थ्रेशहोल्ड एग्जेम्पशन नहीं है। दूसरा सवाल है जीएसटी नंबर को लेकर के। बहुत सारे जो कारोबारी होते हैं उनको पैन और टैन नंबर जिनके पास होता है उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, क्या उनको भी एक अलग से जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होगा? देखिए, जिनको टीडीएस करना है उनके लिए भी उनको अलग से टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है। यदि वो बिजनेस भी कर रहे हैं, सप्लायर हैं, तो उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है और टीडीएस के लिए अलग से लेना पड़ेगा। तो टीडीएस के लिए अलग से और कारोबार के लिए अलग से। तीसरा सवाल यह है सर कि एक ही स्टेट में मैं ट्रेडिंग भी करता हूं और मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूं, क्या मुझे दोनों स्थितियों में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी के तहत? देखिए, एक स्टेट में जैसे सचिव जी ने बताया कि एक स्टेट में एक पैन पे एक ही हमको रजिस्ट्रेशन लेना है, क्या मैं उसमें ट्रेडिंग कर रहा हूँ या किसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ या कोई अदर एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो मेरे को एक ही रजिस्ट्रेशन चाहिए। पर यदि मैं चाहता हूँ, यदि उसकी ऑप्शन करदाता की ऑप्शन पे चाहे तो वो डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स के लिए डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अगला सवाल ये है सर कि मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं वॉलंटेरिली इस रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ और इसके असर क्या है, इसके प्रभाव क्या होंगे मेरे कारोबार पे? ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी अपनी बात में समझा चुका हूँ, मुझे लगता है सबको ये बात आ गई होगी समझ में। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो एक ही स्टेट में एक पान नंबर के ऊपर अगर आप वॉलंटरली दो नंबर ले रहे हैं, बिजनेस वर्टिकल अलग है इसलिए दो नंबर, तो एक चीज़ मैंने जो आपको बताया कि दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटी गिनी जाएगी, वो दो एंटिटी के बीच में भी ट्रांजेक्शन होगा तो टैक्स लगेगा, दैट इज़ वन। एंड सेकेंडली, कि कोई ये ना माने कि हम दो नंबर लेने के बाद दोनों में 75 लाख का बेनिफिट लेंगे, टर्नओवर दोनों का एग्रीगेट गिना जाएगा। एक पान नंबर के ऊपर चाहे आपके एक से ज़्यादा भी जीएसटीआई नंबर एक स्टेट के अंदर है तो उनका सबका टर्नओवर पूरा माना जाएगा। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर तो आ गया है, क्या मुझे नए जीएसटी नेटवर्क जो नंबर है उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्या मैं अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर को तब तक इस्तेमाल करना शुरू कर सकता हूँ? आप अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पीआईडी के ऊपर अपना बिजनेस चला सकते हो और जब तक आपका पूरा जीएसटी नहीं मिलता तो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, आप अपना बिजनेस चला सकते हो। उसकी 90 दिन तक आपको लेकिन जीएसटीएन का अपना जीएसटीआईएन नंबर लेना होगा, उस तब तक आप अपने पीआईडी के ऊपर अपना बिजनेस चला सकते हो। जी, मैं एक कारोबारी हूँ कंट्री लेकर का, यानी देशी शराब के कारोबार में हूँ, क्या मुझे वैट से जीएसटी में माइग्रेट करना ज़रूरी है क्योंकि लेकर जो है वो जीएसटी लॉ के दायरे से बाहर है? अगर आप एक ऐसी वस्तु में व्यापार कर रहे हैं जो जीएसटी के बाहर है और उसके अलावा आप ऐसा कोई कारोबार नहीं कर रहे हैं जो जीएसटी के अंतर्गत आता है, जैसे कि जो प्रश्नकर्ता हैं इन्होंने कहा कि ये लिकर में सिर्फ काम कर रहे हैं, तो ये ऐसी वस्तु है जो जीएसटी के दायरे से बाहर है और ये प्रावधान लॉ में है कि जो लोग ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो बिल्कुल जीएसटी के दायरे से बाहर है उनको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हैशटैग आस्क अढ़िया पर बहुत सारे जो सवाल हैं उसमें आठवां सवाल ये है कि मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ आईएसडी के तौर पर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर, वेदर आई कैन अप्लाई नाउ या फिर उसका प्रोसीजर क्या है अगर ऐसा करना है तो? आईएसडी के लिए आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है, वो तो एक्ट में प्रोवाइडेड है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं एज अ आईएसडी सेपरेटली। लेकिन उसका
जी, अगला सवाल है सर कि जीएसटी के रजिस्टर करने के लिए मुझे अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा? हाउ लॉन्ग कैन आई वेट टू रजिस्टर इन जीएसटी जो अनरजिस्टर्ड हैं? जो अनरजिस्टर्ड हैं जी, अगर आपकी टर्नओवर क्रॉस कर रही है फिर तो आपको जिस दिन 20 लाख क्रॉस की उससे आपके पास सिर्फ 30 दिन का ही समय है, उसके अंदर अंदर जरूर करना है आपको। 30 दिनों का वक्त है आपको जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन जरूर समाप्त करना होगा। जीएसटी पोर्टल पर जाकर, पोर्टल पे जाकर जी जी। करेक्शंस करने हैं अपने रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स में तो उसके क्या प्रोसीजर हैं और मैं कितने दिनों में ये कर सकता हूँ? जो आपने अपनी सर्टिफिकेट के लिए जितना जो आपने डेटा जो डाला, अगर उसमें आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो पूरे डेटा को दो भाग में बांटा गया, एक जो कोड फील्ड है जैसा कि जिसको सचिव साहब ने अभी बताया था, जिसकी उसमें कोई भी अगर बदलाव है तो वो सिर्फ अप्रूवल के बाद होगा, और दूसरे जो नॉन कोर हैं वो आप खुद कर सकते हैं जैसा कि बैंक डिटेल और इस तरह की चीज़ें। जो कोर आइटम्स दोनों के लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, नॉन कोर आप खुद से कर सकते हैं, कोर आइटम आप वहाँ जाएँ, आप उसमें अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो डेटा जाएगी ऑफिसर के पास, जो कंसर्न्ड ऑफिसर हैं ऑफिसर उसको देखेंगे और उसके बाद उसको अप्रूव करेंगे। लेकिन आपकी जो पुरानी डेटा है वो भी सिस्टम में रहेगी और नया डेटा भी रहेगा। इसी तरह से आपने अगर फ़ोन नंबर, ईमेल, बैंक डिटेल चेंज किया, पुरानी भी रहेगी, नई भी रहेगी हमारे पास जी। अगला सवाल सर्विस टैक्स से रिलेटेड है। मैं एक रजिस्टर्ड सर्विस टैक्स एसएससी हूं, लेकिन मेरा जो एनुअल टर्नओवर है वो 12 लाख रुपए है, लेकिन अब मैं थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हूं, तो चूंकि मैं माइग्रेट कर चुका हूं, क्या मेरे ऊपर टैक्स लगेगा, मेरे ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी क्या बनती है? चूंकि आप 12 लाख की टर्नओवर वाले एसएससी थे तो लॉ के अंतर्गत आपको माइग्रेट किया गया, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट थी लॉ की कि सब लोग जो एग्जिस्टिंग रजिस्टेंट है वो माइग्रेट होंगे। पर अब चूंकि ये लिमिट बढ़ के 20 लाख हो चुकी है, सो आपके लिए उचित होगा अगर आप इस जीएसटी व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं और थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो आप कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन दे दें, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं जी। आईएसडी के लिए क्या अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा अदर देन द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन जी? दूसरा सवाल सर स्मॉल डीलर्स और स्मॉल ट्रेडर्स को लेकर के है, जिनके पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उनके पास और क्या ऑप्शंस हैं इस नए सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए? छोटे लोग अगर कोई उनको दिक्कत आ रही है कि भाई वो उनके पास ऐसी कोई समझ नहीं है कि कैसे हम लोग रजिस्टर कराएं अपने आप को, तो हमने ये किया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज वेट या सर्विस टैक्स के जितने भी दफ्तर है, जितने भी ऑफिसेज है, छोटे छोटे ऑफिस जहाँ भी है, उन सबको जीएसटी सेवा केंद्र में तब्दील कर दिया है। वहाँ पर कंप्यूटर भी है, हमारे ऑफिसर को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको पूरी हेल्प करेंगे, आप वहाँ जाइए, उनको रिक्वेस्ट करिए कि भाई हमको रजिस्ट्रेशन कराना है, हमको हेल्प करिए, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। और हमारा ये भी कहना है कि आप किसी आईटी एजुकेटेड यंग बॉय या गर्ल को एंगेज कर लेंगे तो वो भी कर देंगे आपके लिए, इतनी कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उनको मेरी अपील है कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि टैक्स प्रैक्टिशनर के पास ही जाना, ये रजिस्ट्रेशन का मसला इतना सिंपल है, उसका सिर्फ हाउ है, फियर है, कुछ सिंपल डिटेल्स देनी है, और अगर आप वो एक कोई यंग आईटी एजुकेटेड पर्सन है आपके फैमिली में, आपके आसपास कोई है, तो उनकी मदद ले लीजिए, वो आपको कर देगा काम तुरंत, और आप उनको थोड़ा सा पुरस्कार भी दे दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। टैक्स प्रैक्टिशनर के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है जी। 14वां सवाल इस कार्यक्रम में इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी ली जा रही है, सरकार की तरफ से इसमें कोई फ़ी नहीं है। और एक एक करके जैसा भी सचिव साहब ने बताया कि पहले आप बिजनेस डिटेल डालते हैं और मोस्टली ड्रॉप डाउन है जहाँ आपको अब लिखना है, उसके बाद से एडिशनल प्लेस जैसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, डायरेक्टर्स का नाम है, तो जो कोई भी थोड़ी सी भी अगर आप अपनी ईमेल क्रिएट करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ चीज़ें देनी होती है, तो उसी तरह का है, थोड़ा सा और जी इन्वॉल्व। नागरिकों की तरफ से एक सवाल है सर कि एक सिटीजन के तौर पर मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि कोई जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है या अथवा नहीं है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है आइडेंटिफिकेशन के लिए? हर डीलर रजिस्टर्ड डीलर को अपना जीएसटीएन नंबर अपने साइन बोर्ड पे अपने ऑफिस में
लिख के रखना है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा जब भी आप किसी शॉप पे या एस्टेब्लिशमेंट पे जाएंगे तो उसके बोर्ड पे आपको पता चल जाएगा कि जीएसटीएन नंबर उसका लिखा हुआ है तो वो रजिस्टर्ड है जी। 15वां सवाल है, इंसिडेंटली आप उनको पूछ भी सकते हैं कि भाई आपका जीएसटीआर नंबर क्या है, आप कंज्यूमर है तो भी आप पूछ सकते हो कि भाई आपका जीएसटीआर नंबर क्या है। और ये लॉ में रूल्स में प्रावधान है कि अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में वो डिस्प्ले करे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने दे रखा है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी उनको डिपिक करना चाहिए व्यापारी को अपने दुकान में। जो कंपोजिशन डीलर है उनको टैक्स चार्ज करने की अनुमति नहीं है कंपोजिशन डीलर, क्योंकि वो खुद चार्ज नहीं कर रहा आपको, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे बिल में उसने लगाया नहीं लगाया। तो कंपोजिशन डीलर के लिए भी ये जरूरी है कि उनको बोर्ड लगाना है कि मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, जीएसटीआईएन में रजिस्ट्रेशन है मेरा लेकिन मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, वैसा उनको दिखाना है व्यापारी को। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कुछ विशेष श्रेणियाँ भी बनाई गई हैं, और अगर हैं तो वो किन किन लोगों के लिए खासतौर पर रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जो कि आपने प्रेजेंटेशन में बताया कि जो टीडीएस जो डिडक्ट करते हैं, जो टीसीएस कलेक्टर हैं, कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस, क्रॉस बॉर्डर सप्लायर्स और यूएन स्पेशलाइज एजेंसीज को लेना होगा। मेरी रेंटल इनकम 5 लाख रुपए है और मैं एग्जेम्प्ट सर्विस जो 18 लाख एक साल में है उसके लिए एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हूँ, तो क्या मुझे रजिस्टर करना होगा? जी, 20 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो सभी लोगों के लिए है जो भी कोई भी सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सर्विस सिर्फ रेंटिंग से आपकी कमाई है और रेंटिंग 18 लाख है तो निश्चित तौर पर आप इस एग्जेम्प्शन लिमिट के हकदार हैं, और आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन ना लें, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान भी है जैसा कि बताया गया अभी प्रेजेंटेशन। जी, जीएसटी नेटवर्क से भी जुड़े कुछ सवाल हैं सर, उसमें पहला सवाल यह है कि जो प्रोविजनल आईडी मुझे रिसीव नहीं हुई है तो मैं उसके लिए क्या करूं? जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रोविजनल आईडी जीएसटी सिस्टम तैयार करता है, रिक्वेस्ट आती है टैक्स डिपार्टमेंट से कि ये टिन है टैक्स पेयर का और ये इसका पैन है जो वैलिड पैन है, पैन की वैलिडेशन चेक की जाती है और उसके बाद एक जीएसटी नंबर निकाल कर उनको दिया जाता है प्रोविजनल आईडी के रूप में। जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रोविजनल आईडी है यही टिन हुई है, जीएसटी भी है, ये अलग से फिर नहीं, वही नंबर रहेगा आगे भी। तो अगर किन्हीं को नहीं मिली है तो उनके जो टैक्स अथॉरिटी हैं, ज़्यादातर टैक्स अथॉरिटी जैसे कि सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सभी ने अपने वेबसाइट पर डाला है कि आप अपने पुराने जो डिपार्टमेंट था, जैसे मान लीजिए सर्विस टैक्स पेयर है, आप जाएँ वहाँ पर, जैसे आप लॉग इन करें तो आपको दिखाई देगा कि आपका ये प्रोविजनल आईडी और ये टोकन है, और वहाँ उन्होंने ये भी लगाया है कि इस पे क्लिक करिए तो आप उस साइट पे चले जाएंगे, यानी gst.gov.in पे। इस तरह से वैट डिपार्टमेंट्स ने भी किया हुआ। जी, अगला सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट खुलासा किया है। देखिए, काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई प्रोविजनल आईडी नंबर तो आ गया, अब मैं बिल बुक छपवाऊंगा तो उसके ऊपर नंबर लिखना पड़ेगा बाद में, क्या दोबारा बिल बुक छपवानी पड़ेगी 3 महीने के बाद? ये नहीं है। आपका जो प्रोविजनल आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपका फाइनल नंबर भी बनेगा, इसलिए आप उसी नंबर को डाल के आप अपनी बिल बुक, इनवॉइस बुक, चलन बुक जो भी बनानी है छपा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि अभी इसको हम प्रोविजनल तब तक कह रहे हैं कि जब तक आपकी पूरी डिटेल नहीं आ जाएगी और आपको फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तब तक इसका नाम प्रोविजनल होगा। द डे यू गेट योर फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इट विल ऑटोमेटिकली बिकम, वो फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में वही नंबर लिख के आएगा कि आपका GSTI नंबर यही है। तो ये बड़ी स्पष्टता है, आप सबको विनती है कि ये मेहरबानी करके कंफ्यूजन नहीं फैलाए। सेम नंबर विल रिमेन विथ यू, अगर आपने पूरी फॉर्मेलिटी 3 महीने के अंदर कर दी तो वही नंबर आपका परमानेंट बन जाएगा, और अगर 3 महीने के अंदर आपने वो फॉर्मेलिटी नहीं कर दी तो फिर 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा वो नंबर। इसलिए वी वुड अगेन रिक्वेस्ट कि जिन्होंने भी प्रोविजनल आईडी का सर्टिफिकेट मिल गया है वो अपने आप को सेटिस्फाई मतलब सेटिस्फेक्शन मान के आगे कुछ न करे, ऐसा मत माने। जो लोगों को जो डिटेल देनी है पार्ट बी की वो डिटेल देके फाइनल सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन अभी से ले लीजिए, फिर बाद में लास्ट मिनट किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक फॉलोअप क्वेश्चन सर इसी से जुड़ा हुआ यह है कि मेरी प्रोविजनल आईडी को कैंसिल कर दिया गया है, मैं इसको कैसे फिर से एक्टिवेट कर सकता हूँ? ये क्या हुआ कि कुछ टैक्स डिपार्टमेंट्स में उन्होंने एक ड्राइव चलाई मार्च अप्रैल के समय में, जिन लोगों ने काफ़ी दिनों से रिटर्न नहीं फाइल कर थी उन्हीं की सारी कैंसिल कर दी, तकरीबन 5 लाख एक साथ हो गए। फिर उसके बाद लोगों ने अप्रोच किया तो उनकी रीस्टोर कर दी गई करीब 4 लाख। तो ऐसे जो टैक्स पेयर हैं जिनके से कैंसिल, पहला स्टेप तो उनको ये करना चाहिए कि जाके अपनी पुरानी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर देखें
कि वापस आ गए कि नहीं आ गए। इसको चेक करने के लिए हमारे वेबसाइट पे भी जो जीएसटी पोर्टल है, आप वहाँ जाकर स्टेट और उसके साथ पुराने टैक्स डिपार्टमेंट का टिन या पैन, दोनों में से कोई एक डाल करके आप देख सकते हैं कि उसकी स्टेटस क्या है। तो दोनों तरीके से आपको पता चल सकता है। और मेरे ख्याल से मेरा पैन नंबर बदल गया है तो मैं उस प्रोविजनल आईडी में कैसे इनकॉर्पोरेट करूँ, ये भी शायद आपने कवर। ये तो राजस्व सचिव साहब ने कहा कि अगर पैन चेंज हो गया तो आपकी प्रोविजनल आईडी या जीएसटीन ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पैन आपका टिन के जीएसटीन के भीतर जाता है। कौन करेगा इसको? इसमें भी वही है कि जिस डिपार्टमेंट में, सपोज करिए आप वैट डिपार्टमेंट दिल्ली में रजिस्टर्ड थे और आपका पैन चेंज हुआ है और वहाँ पर वैट के ऑफिसर उसको टिन को वही रखते हैं, पैन चेंज कर देते हैं, तो उनके यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, फिर हमारे यहाँ उस पुरानी वाले को कैंसिल करते हैं और एक नया जनरेट करते हैं, उसको वापस भेजते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को, टैक्स पेयर को देने के लिए। अगला सवाल है, एप्लीकेशन जुड़ा हुआ सबमिट करने के बाद में मुझे वैलिडेशन एरर आ रहा है, ये डीएससी ओटीपी या फिर अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ वैलिडेशन एरर है, क्या करना चाहिए? जैसा मैंने पहले बताया था कि वैलिडेशन होती है उन सभी चीज़ों की, जैसे आप पहले आपके जो डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स हैं इनके पैन की, कंपनी अगर है तो डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की, कंपनी के सिन की, और कई सारे लोगों ने ऑथराइज सिग्नेचरी खास करके उन्होंने अपनी आधार भी दी हुई है, ये सारे जब आप सबमिट कर देते हैं एआरएन जनरेट होता है, उसके बाद मिलता है, ये बैच में चलती है, और जब अगर किसी का कोई एरर आया तो आपको वहाँ पे सामने अपने पोर्टल पे आपको वैलिडेशन एरर दिखाई देता है, साथ ही साथ एक ईमेल जाता है टैक्स पेयर को उस ईमेल आईडी पे जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया है, ये कहते हुए कि इस डायरेक्टर का ये पैन मैच नहीं कर रहा है या इस डायरेक्टर का यह डिन मैच नहीं कर रहा है, तो ये जाता है और उसके बाद उसके साथ साथ ये भी लिखा होता है कि आप इसको वापस जाएं और उसको फिर से चेक करें और उसको करेक्ट डालें। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स मैं साइन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कभी कभी ओटीपी रिसीव नहीं हो पा रही है, क्या कोई दूसरा मैकेनिज्म है जिससे मैं ऑथेंटिकेट कर पाऊँ? जी, तो पहला तो है कि डिजिटल सिग्नेचर चूँकि बहुत से लोगों के लिए नई प्रक्रिया थी तो दिक्कत, इसमें क्या दो तीन चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं कि जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं उस पे लेटेस्ट वर्सन ऑफ ईएम साइनर हो जो अवेलेबल है फ्रीली हमारे साइट पे। सेकंड, उस पे आपका रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर का हो। इसके बाद पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है डीएससी को और उसके बाद आप उसे साइन कर पाते हैं। सरकार ने थोड़े दिनों पहले इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसा हम बैंक में ओटीपी आता है उसी तरह का ईवीसी यानी ओटीपी बेस्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा और उससे भी आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और कल को आप रिटर्न फाइलिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनी और एलएलपी और फॉरेन एलएलपी के लिए लागू नहीं है, उनको डीएससी से ही करना होगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कंपनियों की संख्या करीब जो हमारे अभी तक एनरोल हुए हैं तकरीबन 4.5 के आसपास हैं, लेकिन 22 लाख टैक्स पेयर्स ने डीएससी का इस्तेमाल किया है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में दूसरे लोगों ने भी डीएससी का इस्तेमाल किया। जी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अब कहाँ से मिलेगा वो आपने शायद कवर कर लिया है। अगला सवाल यह है कि अगर मुझे सो कॉज नोटिस मिलता है तो उस केस में मुझे क्या करना होगा? जैसा मैं बताया था आपको कि अगर जब वो पूरी की फील्ड अप एप्लीकेशन चाहे एनरोलमेंट की हो या रजिस्ट्रेशन की हो टैक्स ऑफिसर के पास जाती है और उसमें से कोई वो कमी देखते हैं या जो कोई आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं या वो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उसकी टेन्योर ख़त्म हो गई है जैसे लीज डीड है, तो उस पर आपके पास नोटिस आएगा और वो अलग अलग कॉलम आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट का ये है या कोई इन्फॉर्मेशन डाली उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, फिर आपको उसके जब उसका जवाब या नया डॉक्यूमेंट 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर पोर्टल पे ही जाकर डालना है उसी कॉलम के अगेंस्ट। जी, सिस्टम में मेरे नाम में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिसको सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है, ये समस्या हमारे पास शुरू में आई थी काफ़ी, जैसे कई सारे नाम हैं जिसमें पोस्ट्रोफी एस लगा होता है, डिसूजा, जब हमारे हम लोगों ने डिज़ाइन किया था तो हमसे ये मिस हो गया था कि डिसूजा भी नाम में वो स्पेशल कैरेक्टर हैं, या एलएनटी में बीच में एंड है, या एचयूएफ में दोनों तरफ ब्रैकेट है, तो अब हमने उन सभी को जितने ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं अब सबको अलाउ कर दिया है और उनके साथ भी अब रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, मैं 5 आइटम से ज़्यादा उसमें कारोबार करता हूँ जबकि लेकिन फॉर्म पे केवल 5 ही आइटम अलाउड हैं, मुझे क्या करना होगा इस केस में? वहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉ में लिखा हुआ है कि टॉप 5 आइटम्स आप डालेंगे, 5 गुड्स की और 5 सर्विसेज की, और ये आप एडिट भी कर सकते हैं जैसा कि पहले बताया गया आपको।
और अंतिम सवाल, ऑथराइज सिग्नेटरी जो इज़ नॉट शेयरिंग यूज़र आईडी और पासवर्ड, अगर नहीं मिल पा रहा है ऑथराइज सिग्नेटरी, वो शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे मामलों में क्या कर सकते हैं? ये केस कई जगह से हमारे पास आया है कि जिसने किसी का रजिस्ट्रेशन किया, किसी भी कंसल्टेंट ने या कोई थर्ड पार्टी ने, अब वो या तो गायब हो गया या वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं दूंगा। अब हमारे लिए समस्या ये है कि कोई भी ऐसे फ़ोन करके या ईमेल करके भेज सकता है कि मैं जैन साहब का हूँ और जैन साहब का यूज़र आईडी पासवर्ड उनका कंसल्टेंट लेकर भाग गया। तो इसके लिए तरीका ये किया गया है कि आपके पास अगर ऐसी समस्या आ रही है तो आप अपने टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएँ, उनको अपने कागजात दिखाएँ, उनके रिक्वेस्ट पे हम उसको रिसेट करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट आनी होगी टैक्स डिपार्टमेंट से, कोई थर्ड पार्टी करें हम वैलिडेट नहीं कर सकते ना कि कौन वो एक्चुअल है या नहीं है, इस कारण से ऐसा किया गया इसको। माननीय राजा सचिव जी, हमारे पास 10 मिनट हैं, अगर आप अनुमति दें तो कुछ मीडिया से सवाल हम ले पाएँ। प्लीज़ माइक्रोफोन दे दें और जी सर। मैं प्रशांत हूँ ABP न्यूज़ से। एक समस्या जो आ रही है, GST लागू होने के बाद गाड़ियों के दाम कुछ कंपनियों ने घटाए थे लेकिन कुछ राज्यों ने रजिस्ट्रेशन टैक्स बढ़ा दिया है, तो जानना लोग चाहते हैं कि फिर इसका फायदा कॉमन मैन को कैसे मिलेगा? ऐसा है कि जो टैक्स GST के दायरे में है उसकी चिंता तो GST काउंसिल कर रही है, लेकिन GST काउंसिल के दायरे के बाहर कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। उसमें से एक ये भी है कि भाई जो लाइफ टाइम टैक्स लेते हैं व्हीकल्स के ऊपर, वो रोड टैक्स के नाम पे, वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार में है और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ये अपने अधिकार में घटाने का या बढ़ाने का वो स्कोप है उनको, तो उसको बढ़ाना या घटाना वो डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट खुद लेगा डिपेंडिंग ऑन कि कैपेसिटी है कि नहीं लोगों की बेयर करने की। तो उस हिसाब से उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो ठीक है, वो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते बिकॉज उनका अपना अधिकार है। वसीम जी। सर एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं 10 छोटे सप्लायर्स को माल सप्लाई कर रहा हूँ और उनके पास GST नंबर नहीं है, तो मेरे को इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा? किसको इनपुट क्रेडिट चाहिए? अगर मुझे इनपुट क्रेडिट चाहिए, अगर मैं किसी व्यापारियों को सप्लाई कर रहा हूँ और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, उनको तो इनपुट क्रेडिट चाहिए ही नहीं, उनको तो टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से चाहिए? मैं रजिस्टर्ड हूँ, मुझे चाहिए, अगर मेरे को तो इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए? हाँ वही लिए, बट आपको पता है कि एक 9(4) जो हमारा सेक्शन है वो ये कहता है कि कोई भी रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स की रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड डीलर की होगी। तो मुझे जैसे मैंने पहले आपको टैक्स भरना है फिर उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है, तो फिर मैं पहले टैक्स भरूंगा लेकिन वो टैक्स नहीं भरेंगे जिन्होंने लिया है, छोटे सप्लायर है वो? हाँ वो नहीं भरेगा, बट मैं उस टैक्स को भरूंगा और मैं उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूंगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन किया हमने, ये रिवर्स चार्ज में जो देना है रजिस्टर्ड डीलर को, रजिस्टर्ड डीलर अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदता है तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, लेकिन अगर एक दिन में 5,000 रुपये तक की आइटम है तो उसके लिए वो रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं देना है। सो कुछ लोग कहते हैं कि भाई छोटी स्टेशनरी खरीदने हमने भेज दिया तो स्टेशनरी का जो आएगा उस वो अनरजिस्टर्ड डीलर से लिया मान लो, या कुछ चाय पानी मंगवाया या किसी होटल से, ऐसी होटल से चाय पानी मंगवाया जिसमें GST नहीं लग रहा है, तो फिर उसके लिए 5,000 पर डे का आपको मुक्ति है, और उसके ऊपर अगर होगा तो भी आपको पूरे महीने का ऐसा जो भी सप्लाई आप खरीद रहे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से वो पूरे सप्लाई का एक बिल बनाना होगा और एक इनवॉइस बना के, सेल्फ इनवॉइस बना के आप उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी अपनी दिखा सकते हैं, बट टैक्स भरने की जिम्मेवारी आपकी है जिनसे भी आपने खरीदा है वो अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है तो। जी नहीं, बेच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बेच रहे हैं तो आप तो टैक्स भर के ही लाए होंगे और वो कोई दिक्कत नहीं है, आप टैक्स उस पर लगा के उसको बेच सकते हैं, बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, छोटे वाले को बेच सकते हैं। अगले सवाल की तरफ से, नीरज शाकर फ्रॉम कैच न्यूज़। आई हैव वन क्वेश्चन, देयर वाज अ रीसेंट इंसिडेंस ऑफ वेयर तमिलनाडु गवर्नमेंट दे इम्पोज एन एडिशनल एंटरटेनमेंट टैक्स व्हिच वाज अबाउट 28-30%। दिस वाज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ अ एग्जेम्पशन गिवन टू लोकल बॉडीज अंडर द GST दैट दे कैन इम्पोज देयर ओन टैक्सेस। हाउ मेनी सच टैक्सेस कैन बी लेविड बाय लोकल बॉडीज and can, is there a fear that local bodies under the pressure of the state governments to increase their revenue use these taxes to impose higher taxes which can actually lead to inflation?
देखिए मैं आपको गिना दूँ, आप उंगली पे गिन सकते हैं उतने ही टैक्सेस है। सबसे पहला 5 कॉमोडिटी जो पेट्रोलियम की है, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इनके ऊपर वेट लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्साइज लगाने की अलग पावर है, तो जीएसटी के बाहर है। तो उन प्रोडक्ट पे स्टेट और सेंटर कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी घटा सकते हैं। दूसरी जो मेजर आइटम है वो है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो जमीन या मिल्कत के ऊपर जो होता है वो पावर स्टेट गवर्नमेंट का है, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट कटौती कर सकती है, बढ़ोतरी कर सकती है। तीसरा जो ये मसला आया था मुंबई का, ये महाराष्ट्र का, कि जो व्हीकल टैक्स है वो पावर स्टेट गवर्नमेंट का है। चौथा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल विद द स्टेट गवर्नमेंट, एक ये है। पांच, नेक्स्ट इज पोर्टेबल अल्कोहल, जो पोर्टेबल अल्कोहल है उसके ऊपर एक्साइज, स्टेट एक्साइज कलेक्ट करने का पूरा अधिकार स्टेट को है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है। और कोई चीज़ छूट गई, एंटरटेनमेंट टैक्स फॉर लोकल बॉडी, एंटरटेनमेंट टैक्स जो है सिनेमा वगैरह उस पर 28% तो जीएसटी लगाया हमने, 28 और 18, अगर 100 रुपये से कम टिकट है तो 18% है, और अगर 100 रुपये से ऊपर है तो 28% जीएसटी लगाए। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कि लोकल बॉडी के बेनिफिट के लिए वो एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हैं, बस इतने ही टैक्स है जो कि जीएसटी के दायरे से बाहर है। सर मीडिया से एक और भी सवाल है, प्लीज़ अपना परिचय दें और सवाल करें। आपका माइक प्लीज़ ऑन कर लें, थैंक यू। साप्ताहिक या मंथली जो न्यूज़पेपर हैं उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या इनको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा? क्या मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो साप्ताहिक और न्यूज़पेपर पीरियडिकल्स हैं, क्या उनके ऊपर जीएसटी का प्रावधान है, उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा? न्यूज़पेपर और मैगजीन, न्यूज़पेपर पे तो नहीं, न्यूज़पेपर के ऊपर तो, न्यूज़पेपर अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट की इनकम 20 लाख से बढ़ रही है, जो एडवर्टाइजमेंट स्पेस दे रहे हैं उसकी इनकम अगर 20 लाख से बढ़ रही है तो फिर आपको रजिस्टर कराना है, क्योंकि हमने वो एडवर्टाइजमेंट स्पेस के ऊपर 5% डाला है 20 बार जीएसटी में। जी सीएनबीसी से। गुड इवनिंग सर, एक्सक्यूज मी, कैन आस्क वन क्वेश्चन? या माय नेम इज सूर्यांशी, आई एम फ्रॉम न्यूज नेशन। मेरा सवाल बहुत हो सकता है कि क्योंकि मैंने आई जस्ट ज्वाइन शॉर्टली, सो मे बी इट माइट नॉट रिलेट टू इट, बट सवाल मेरा ये है कि जीएसटी से जो आम लोगों की पॉलिसीज एंड स्कीम्स हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, जैसे कार लोन है, होम लोन है, या इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा जीएसटी से रिलेटेड? थैंक यू मैम। देखिए मैं आपको बता दूं कि सर्विस टैक्स जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर लागू नहीं होता है, सो चाहे आप डिपॉजिट रख रहे हैं या चाहे आप लोन ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता। इंश्योरेंस के ऊपर जरूर लगता है, लेकिन उसमें भी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है कि जो वो लोग अपना सेविंग के लिए कॉर्पस में जाता है, और दूसरा रिस्क कवर करने के लिए होता है। तो हम लोग जो चार्ज करते हैं सर्विस टैक्स वो सिर्फ रिस्क पोर्शन के ऊपर करते हैं, जो कि सर्विसेज गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी है उसके ऊपर होगा, लेकिन जो कॉर्पस पोर्शन है उसके ऊपर नहीं लगता है। सो उसमें भी लिमिटेड असर होगा, और उसमें भी पहले 15% था, अब 18 है, लेकिन उसमें से गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ले सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने जितने भी गुड्स अपने सर्विसेज देने के लिए यूज़ किए हैं, मान लो ऑफिस में एयर कंडीशनर लगवाया है तो एयर कंडीशनर के लिए जो जीएसटी दिया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, और फर्नीचर है, स्टेशनरी है, किसी को कमीशन दे रहे हैं, वो सब पे जो है उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, ले सकते हैं। ऋतुपर्ण जल्दी से, एक मिनट। ऋतुपर्ण फ्रॉम सीएनबीसी टीवी 18। सर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स जो जाते हैं फैक्ट्री गेट से पोर्ट, बिफोर जीएसटी एक प्रोसेस उसमें फॉलो किया जाता था, वेर इन यू नो एक बॉन्ड कस्टम्स अथॉरिटीज के साथ या एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ होता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड सो उसी अंडरस्टैंडिंग से एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स चले जाते थे। लेकिन अभी कुछ पोर्ट्स में प्रॉब्लम ये आ रही है कि कस्टम्स के जो फॉर्मेशंस हैं वो मांग रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैंक गारंटी मांग रहे हैं ऑन ईच कंसाइनमेंट। इससे एक्सपोर्टर्स के जो कॉस्ट है, इट इज़ एडिंग टू देयर कॉस्ट। सो क्या इस पे कुछ कस्टम्स डिपार्टमेंट इस पे कुछ कर रही है? देखिए जो एक्सपोर्ट के लिए जो प्रावधान है वो ये है कि आज भी आप जीएसटी के अंतर्गत भी अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये प्रावधान कंटिन्यू किया गया है, इसलिए आपको जो जीएसटी फॉर्मेशन है उसी में बॉन्ड देना है।
और तुरंत प्रभाव से ये किया गया कि एक्साइज अथॉरिटी बॉन्ड लेंगी, सो कस्टम्स को तो बैंक गारंटी नहीं लेनी है इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट, और जहाँ तक हमको पता है नहीं ले रहे हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो हम देखेंगे उसको, बट वहाँ बैंक गारंटी नहीं देनी, जो भी बॉन्ड देना है वो जीएसटी फॉर्मेशन में देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में वक्त सिर्फ इतना ही है। श्री हसमुख अधिया जी, राजस्व सचिव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वनजा एन सरना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश कुमार जी, महेंद्र सिंह जी, पीके जैन साहब और जीडी लोहानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज पहली क्लास में सिर्फ इतना ही, लेकिन जो कल की क्लास है वो 4:30 से 5:30 बजे शाम को इसी जगह पे होगी, और ये ट्रांजिशन और इनवॉइस मेकिंग से संबंधित है। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।